घनी बात है वो एक ही है कि हमारे अंदर धर्म जागृत होना चाहिए। जब धर्म जागृत होता है तभी हम सत्य को जानते हैं। अब धर्म का मतलब हम लोग ये समझते हैं हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, फलाने धर्म, ये वो, ये धर्म है ही नहीं। कैसे हो सकते हैं बताइए आप? जब आप हिंदू धर्म की व्याख्या करते हैं, हिंदू धर्म में तो कहा है कि सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है, फिर आपने जातीयता कैसी बनाई? जब आपके धर्म में व्यास और वाल्मीकि जैसे लोग ब्रह्मर्षि कहलाए जाते हैं, फिर आपने जातीयता बनाई कैसे कि जन्म से ही आदमी धर्म को प्राप्त होता है? ब्रह्म को जानने वाला ही जब ब्राह्मण होता है तो आपने जातीयता बनाई कैसी? आज जातीयता के नाम से लोग चिल्ला रहे हैं। इसको निकालने का तरीका बुद्धि से नहीं हो सकता, इसके लिए सत्य को प्राप्त होना पड़ेगा। जब तक आप सत्य को प्राप्त नहीं होंगे तब तक आपके अंदर की जातीयता जा नहीं सकती। सत्य को प्राप्त होने के लिए दूसरी बात है कि धर्म में खड़ा होना पड़ेगा। धर्म में खड़ा होना क्या होता है इसके लिए समझने की बात है। दो उदाहरण हम देंगे, एक श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण को लोग सोचते हैं कि उन्होंने अहिंसा सिखाई। हाँ, सिखाई तो है अहिंसा, वो गरीबों के लिए, वो ऐसे लोगों के लिए जो त्रस्त है, लेकिन जो दुष्ट हैं उनके लिए अहिंसा नहीं सिखाई है, उनके लिए हिंसा सिखाई है। जिस वक्त कर्ण का पैर रथ के चक्के में फंस गया था और उनके ऊपर अर्जुन ने अपना गांडी पकड़ा था, तो कर्ण ने उनसे कहा कि देख, तू भी वीर है, मैं भी वीर हूँ, और मुझे क्षत करने का तुझे अधिकार नहीं, जबकि मैं सशस्त्र नहीं। तब कृष्ण ने अपनी उंगली आगे करके कहा कि जिस वक्त द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी तब तेरी वीरता कहाँ गई थी, मार इसे। कृष्ण को लेकर के जो अहिंसा की बात करते हैं वो इसमें का भेद नहीं जानते। कहा जाता है हंसा श्वेता बका श्वेता को भेदो बक हंस यहो नीरक्षीर विवेके तू हंसा हंसा बका बका। उसका विवेक जब तक आपके अंदर आएगा नहीं तब तक आप समझ नहीं सकते धर्म क्या है। जिस वक्त ईसा मसीह, जो कि साक्षात अत्यंत पवित्र ओंकार स्वरूप अवतरण थे, एक वेश्या को देखते हैं कि उसको पत्थरों से मारा जा रहा है। उनका किसी वेश्या से क्या मतलब हो सकता है? वो जा करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम में से जिसने कुछ भी पाप नहीं किया हो वो मुझे पत्थर मारे, मुझे पत्थर मारे। और सब ने अपने पत्थर डाले, क्योंकि वो जो अधिकार सत्य का उनके अंदर था उसके आगे चलना कठिन बात है। समझने की कोशिश करिए, आज हमारे देश में व्यक्तित्व नहीं है, चरित्र नहीं है। हम लोग रो रहे हैं चरित्रहीन, दुर्बल, निर्बल, एक तरह से गुलामी लिए हुए इस पैसे के पीछे में चाहे जो करने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अभी हमने ये जाना नहीं धर्म क्या होता है। जब आपके पास पैसा नहीं है ठीक है, इसलिए गरीबों का पैसा लूटने की जरूरत नहीं। और अगर आप ही खुद, जैसे मैंने कल कहा आपसे कि आप शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं और यहाँ पर जाके स्ट्राइक करते हैं कि हमें ज़्यादा पैसा दीजिए, काहे के लिए, शराब ज़्यादा पीने के लिए। धर्म में आने का मतलब ये होता है कि एक संतुलन में रहना, एक मध्य भाग में रहना, इसको कि मॉडरेशन कहना चाहिए। जैसे इंसान हर एक चीज़ में अति पर चला जाता है, उस अति से छूटकर बीचों बीच खड़ा रहना ये धर्म। अनेक धर्म बताए गए हैं, ये हमारे अंदर जो सदगुरु हो गए उन्होंने बनाए हुए। स्त्री धर्म, स्त्री धर्म दो ही तरह के मैंने अपने देश में देखे, या तो आदमियों के जूते खाइए और या तो आदमियों को जूते मारिए।
बीच में कोई चीज दिखाई नहीं देती। या तो सीता जी को एक धोबी घर से निकाल देता है, और या तो कोई ऐसी औरत या कोई आकर के सारे लोगों की नाक कटा देती है। पति धर्म, पत्नी धर्म, मातृ धर्म, पितृ धर्म, ये सारे रिश्तेदारी के धर्म हैं। राष्ट्र धर्म, विश्व धर्म, ये सबसे हम परिचित हैं। अपरिचित हम नहीं, लेकिन हम अनहोनी कर जाते हैं। ऐसी बात कर देते हैं जो बिल्कुल अनहोनी है कि हम उस धर्म को जानते हुए भी वो नहीं करते। इसलिए मैं ये कहूँगी कि ये जो हमारे प्रदेश के लोग हैं, ये उसे जानते नहीं, वो इस बात को जानते नहीं हैं, और इसलिए वो गलत काम करते हैं। तो ठीक है, अज्ञान में, हम ज्ञानी होते हुए इस बारे में जानते हुए भी हम धर्म में खड़े नहीं हो सकते, इसलिए हमारी धर्म शक्ति बड़ी कमज़ोर है। और जो आदमी धर्म में खड़ा होता है वो सबसे शक्तिशाली मनुष्य होता है। पैसे से आपके अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं आ सकती। मैंने ऐसे ऐसे पैसे वाले देखे हैं कि जो लड़खड़ाते हुए खड़े रहते हैं, इसका पैसा नहीं दिया, उसका पैसा नहीं दिया, इनकम टैक्स वाले आने वाले हैं, ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला, मेरा लड़का पैसे लेके भाग गया, मेरी बीवी भाग गई, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। सत्ता से तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। सत्ता से आदमी इतना निर्बल हो जाता है क्योंकि दूसरों के हाथ में पड़ गया। दूसरे जब तक उसे सत्ता नहीं देंगे वो लड़खड़ाता खड़ा रहता है, भैया मेरे को वोट दो, मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, जूते तुम्हारे उठा लूंगा। किसी भी चीज से मनुष्य सबल नहीं हो सकता सिवाय आत्मा के। आत्मा ही आपको समर्थ कर सकता है, लेकिन सबसे पहले उसमें आपके अंदर धर्म स्थापना होनी चाहिए। और धर्मी की स्थापना करने के लिए मंदिर, मस्जिद और चर्च बनाने से होगा नहीं। अपने मंदिरों का हाल सुनिए तो भगवान बचाए रखे, और चर्च का हाल मुझसे पूछिए आप, और मस्जिदों का हाल उनसे पूछिए जो मस्जिद में बैठ करके और गलत गलत सलाह करते हैं, मंदिरों में बैठ करके बंदूकें चलाते हैं। ये लोग धर्म को जानने वाले नहीं हैं, अधर्मी हैं, धर्म के नाम पे महा अधर्म कर रहे हैं। और आज हम ही इस बात को कह सकते हैं, दूसरों की हिम्मत नहीं इस बात को कहें कि ये धर्म नहीं। धर्म मानवता का धर्म है, उसमें ये नहीं कि आप जाकर के चार लोगों को बटोर के लाइए और मिशनरी जैसे उनके खाना पीने को देखिए और अपने लिए बड़े बड़े नोबल प्राइजेस, ये धर्म नहीं है। धर्म वो है जहाँ मनुष्य अपने जीवन को संतुलन में रखता है, उसमें पूरा संतुलन हो जाता है, जहाँ वो प्रेम के धर्म में बसा हुआ रहता है, वो सहज में ही सारा कार्य करता है। कोई सी भी उसके अंदर से अगर ऐसी क्रिया घटित हो जाए जो बहुत ही अभिनव हो, उसके प्रति कोई भी उसे गर्व नहीं होता, ऐसा ही आदमी हम कहेंगे धर्म में होता है। पर आप कहिएगा माँ ऐसे आदमी आएंगे कहाँ से, सो बात ठीक है, ऐसे धर्म के आदमी कहाँ से आएंगे। जैसा मैंने कल कहा कि मार्क्स ने कहा कि ऐसे लोग होने चाहिए कि जो यहाँ स्टेटलेस हो जाए, स्टेट न रहे, ऐसे लोग होना चाहिए कि जो आपस में इतने प्रेम से रहे कि कोई झगड़ा ना हो। सबसे ज्यादा डिवोर्स तो वहीं होते हैं जहाँ मार्क्सवाद चल रहा है। तो क्या गलती हो गई वहाँ पर, जो कि इन्होंने कहा था कि हम ऐसी स्टेट बनाएंगे वो नहीं बना पाए। इसकी वजह ये कि वहाँ धर्म नहीं है, वहाँ धर्म नहीं है। और धर्म हमारे अंदर स्थापित करना बहुत ही आसान चीज़ है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो हमारे नाभि चक्र में जब कुंडलिनी आती है तो उसके प्रकाश से हमारे अंदर आपो आप धर्म जागृत हो जाता है। अधर्मी से अधर्मी मनुष्य भी धर्म में उतर जाता है, पर जो मनुष्य अंदर से धार्मिक है उसके लिए कुंडलिनी का जागरण बहुत ही आसान है। अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो धर्म के नाम में अनेक गलतियां कर जाते हैं, वो सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं। जैसे ये बता रहे थे, हमने ऐसे बहुत सारे देखे, विलायत में भी देखे और यहाँ भी देखे हैं, जो कि गुरुओं के चक्कर में घूम पड़ते हैं और उसमें पैसा देते हैं और उनके चरण छूते हैं और उनसे सोचते हैं कि भाई अगर हमारा गुरु जाएगा स्वर्ग में तो हमें भी साथ ले जाएगा।
लेकिन वो तो नर्क में जा रहे हैं और उनके साथ सभी नर्क में जाने वाले, उसके लिए पैसा देकर के आप नर्क जा रहे हैं। एक बात आपको जान लेना चाहिए कि कोई सा भी गुरु जो रुपया पैसा मांगता है वो सद्गुरु नहीं हो सकता। आप परमात्मा को खरीद नहीं सकते, आप कुंडलिनी को पैसा दिखाकर जागरूक नहीं कर सकते। वो वही चीज़ है जो मनुष्य कर सकता है कि वो पैसे से लुभा सकता है लोगों को, लेकिन कुंडलिनी एक जीवंत शक्ति है, शुद्ध इच्छा है, और कोई सा भी शुद्ध मनुष्य पैसे से जीता नहीं जा सकता, ना खरीदा जा सकता है। इसलिए आप जान लीजिए कि कोई भी आदमी आपसे यह कहे कि तुम्हारे कुंडलिनी जागरण का इतना पैसा दो या तुम्हारे आत्म साक्षात्कार इतना पैसा दो, तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए।